नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बेसिक जो कैमरे के बारे में बताऊंगा, तो कैमरे के जो बटन्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो पहली बार DSLR खरीदा है या पहली बार जो DSLR मतलब लेके ये सोच रहे हैं कि यार इसके बटन तो काफ़ी अजीब है कि कौन सा बटन क्या काम करेगा। तो वही मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा कि कौन सा क्या बटन क्या काम करता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं सारे बटन्स के बारे में बताऊंगा, जो बेसिक जो DSLR आते हैं, जैसे 3000 सीरीज के जो निकोन के आते हैं या 5000 सीरीज आते हैं, उनके जो बटन्स होते हैं सब कैमरों में एक जैसे ही होते हैं, और वही बताऊँगा। जैसे मान लो मेरे पास जो कैमरा है D3500 जो निकोन का कैमरा आता है, वो कैमरा है, इसके जो बटन है उसके बारे में मैं बताऊंगा सारे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मान लो ये इसका जो पहला जो बटन है, आपने देखा होगा ये वाला बटन, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसे अपन आप ऑन ऑफ करते हैं। इस बटन को आप जैसे इधर खींचोगे, ये ऑन हो गया, वापस ऑफ हो गया, ये ऑन ऑफ हो गया। इसके अंदर जो बटन दे रखा है, एक गोल बटन, वो आप देख रहे हो, ये स्टिल रिलीज बटन है। इस बटन से आप जब हाफ प्रेस करते हैं तो कैमरा क्या करता है, ऑटो फोकस करता है। जैसे मान लो मैंने ये कर रहा हूँ तो ये एक आवाज़ आएगी आपको, और मतलब ये जो इसमें जो एक पॉइंट होता है वो ग्रीन हो जाता है, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि ये मेरा जो कैमरा है वो फोकस किया या नहीं किया। उस फोकस करने के बाद में आपको क्लिक मारना है, तो आपकी जो फ़ोटो आएगी वो बिल्कुल बैलेंस्ड फ़ोटो आएगी और फोकस्ड फोटो आएगी। तो ये बटन हो गया। इसके बाद में एक ये बटन इसके पास में दे रखा है, प्लस माइनस का बटन। ये जो बटन है दोस्तों, ये बटन, इस बटन को बोलते हैं एक्सपोजर कंपोजिशन बटन। इससे आपका जो एक्सपोजर है, जब आप मैनुअल मोड जो भी यूज़ करते हैं कैमरे में, तो उस आपके जो एक्सपोजर को आप प्लस की तरफ ले जा सकते हो या माइनस की तरफ ले जा सकते हो इस बटन के थ्रू। और दूसरा बटन ये जो देख रहे हैं आप, ये जो डायल देख रहे हैं गोल गोल डायल, ये डायल आता है, इस डायल को बोलते हैं कमांड डायल। इस डायल के थ्रू अपन इस कैमरे के अंदर जो भी मतलब अपन अपनी कमांड डाल सकते हैं। जैसे आपने स्टर स्पीड चेंज करनी है या अपर्चर चेंज करना है या ISO चेंज करना है, तो इस कमांड डायल के थ्रू ही आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आपको चेंज करनी है, आपको स्टर स्पीड चेंज करनी है, तो केवल स्टर स्पीड चेंज करने के लिए केवल इस कमांड डायल को आप जब घुमाओगे तो आपकी स्टर स्पीड वो चेंज होगी। मान लो आपको अपर्चर चेंज करना है, तो अपर्चर चेंज करने के लिए आपको, जैसे मान लो ये कैमरा है मेरा, आप देख रहे हो इसमें ये स्टर स्पीड है, ये अपर्चर है। अपर्चर चेंज करने के लिए आपको ये जो प्लस माइनस का बटन दबाया, मैंने जो बताया है एक्सपोजर कंपोजिशन बटन, इसको दबा के रखना है और इस कमांड डायल को घुमाना है। दबा इस कमांड डायल को घुमाओगे तो मेरा अपर्चर जो है वो चेंज होगा, ठीक है, और केवल इसको घुमाओगे तो आपका स्टर स्पीड चेंज होगी। इसी बटन के थ्रू आप ISO भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो ये 3500, इसमें FN बटन नहीं दे रखा, बाकी जैसे वो मेरे पास ये कैमरा है मेरे पास, ये 5300 इस कैमरे में आपने देखा होगा, ये वाला जो बटन है, ये वाला बटन, ये आपका इस प्लेस को ओपन करने के लिए होता है, और इसके नीचे जो FN बटन दे रखा है, इस ये जो FN बटन आप कोई सी भी सेटिंग के लिए आप इस FN बटन को बना सकते हो, असाइन कर सकते हो। तो अभी जो बना रखा है ये ISO के लिए है। इस बटन को दबा के जब आप कमांड डायल को घुमाओगे तो आपका ISO चेंज होगा। दूसरा बटन के बारे में बताऊं मैं, तो सामने जो बटन देखे होंगे आपने, ये देखिए, ये सारे जो बटन हैं, ये बटन मान लो ये आई जो बटन होता है, आई लिखा होगा जिस बटन पर, जैसे आप आई बटन दबाओगे, मान लो ये मैंने आई बटन दबाया, इसकी जो इंफॉर्मेशन की खुलती है, यहाँ पहले इंफॉर्मेशन की का मतलब होता है इसमें सारी सेटिंग खुल जाती है आपकी, जो भी आपको कैमरे में देनी है। जैसे मान लो पहली इंफॉर्मेशन की में पहला जो सेटिंग खुलती है वो खुलती है आपकी इमेज साइज। आप इस बटन के थ्रू आप इमेज, आप साइज चुन सकते हो, इमेज क्वालिटी चुन सकते हो, ठीक है, आप वाइट बैलेंस चुन सकते हो, आप एक्टिव डीलाइटिंग जो होती है कैमरे में उसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, ISO चेंज कर सकते हो, ठीक है, फोकस मोड, फोकस एरिया मोड, मैट्रिक्स मीटरिंग, ठीक है, वो सारी चीज़
आप फीचर कंट्रोल आईएसओ सारी चीज यहाँ से इंफॉर्मेशन की जो आई बटन दबा के यहाँ से आप सेट कर सकते हो। दूसरा जो आपका ये मेन्यू का बटन है, इस मेन्यू का बटन में जैसे मेन्यू का बटन दबाओगे इस कैमरे की सारी मेन्यू खुल जाएगी। आप इसके थ्रू आप जैसे ये जो गोल बटन दे रखा है इसमें ओके का है बीच में, इस गोल बटन के थ्रू ये मल्टी सिलेक्टर बटन होता है, इसमें आप आगे पीछे अंदर मतलब इस बटन के थ्रू जा सकते हो सेटिंग में। और जैसे कोई सेटिंग आपको जैसे ऑन करनी है तो आप ओके के बटन से आप उस सेटिंग को ऑन कर सकते हो। और इस मेन्यू के ऊपर जिस बटन जो दे रखा है ये आपका इमेज व्यू के लिए दे रखा है कि आप इस बटन के थ्रू आप अपनी जो भी इमेज खींची है उस इमेज को देख सकते हो। दूसरा बटन जैसे इसमें नीचे बटन दे रखा है प्लस और माइनस का बटन, इस प्लस माइनस के बटन के थ्रू आप अपनी जो इमेज खींची है उसको जूम करके देख सकते हो, माइनस के थ्रू आप जूम इन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी जो बटन है इसके नीचे ये डिलीट का बटन है, आप अपनी इमेज को जो इमेज आपको पसंद नहीं है उसको डिलीट मार सकते हो, ठीक है। अब जो डिलीट की जस्ट ऊपर जो बटन दे रखा है ये रिलीज मोड होता है। रिलीज मोड का मतलब होता है आप जैसे ही इस बटन को दबाओगे मेरे कैमरे में ये सेटिंग खुलेगी। देखिए आप जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सेटिंग खुलेगी, ये पहली सेटिंग जो है इसमें जैसे मान लो ये आपका जो कैमरा है 5 फ्रेम पर सेकंड कंटिन्यूस स्पीड कैमरा है, इसमें पहला जो है एस लिखा हुआ मतलब सिंगल शॉट मारेगा। दूसरी में जैसे ही मान लो मैं दूसरे वाले में जाऊँगा कंटिन्यूस शॉट, जैसे आप इस पर ओके करोगे आप रिलीज बटन को दबा के रखोगे जैसे फोटो खींचने वाले बटन को, तो इसमें कैमरा क्या करेगा जैसे जितनी बार दबा के जितनी देर तक दबा के रखोगे उतनी देर तक कैमरा फोटो खींचे मतलब खींचता रहेगा कंटिन्यूस में। अब इसमें क्या है जैसे ये एक बेसिक मॉडल है तो इसमें कंटिन्यूस के एक ही देर का ऑप्शन, बाकी कंटिन्यूस लो होता है कंटिन्यूस हाई होता है, तो वो सारी मिलते हैं। इसी के थ्रू आप अपने कैमरे के अंदर आप टाइमर सेट कर सकते हो, 2 सेकंड या 5-10 सेकंड का टाइमर होता है इसमें। और यही रिलीज मोड बटन अगर आप 5300 में देखोगे या 5600 में देखोगे तो ये जो लेंस लॉक बटन होता है ये वाला बटन देखिए, ये वाला लेंस को जब आप रिमूव करते हैं तो ये लेंस लॉक बटन होता है, इसके नीचे ये बटन दे रखा है, ये वाला बटन वो रिलीज मोड बटन 5300 या 5600 में या दे रखा होता है, तो यही बटन अब काम करता है। दूसरा है ये जो मेरा मोड है, ये मोड बटन है, इसमें जैसे मैनुअल बटन है, मैनुअल मोड है, अपर्चर प्रायोरिटी है, स्टर प्रायोरिटी है, जैसा आप जिस मोड पे आप जो कैमरे को ऑपरेट करना चाह रहे हैं उस वो मोड लगा सकते हो। दूसरा मोड ऑटो मोड है। दूसरा बटन है जैसे मान लो आप व्यू फाइंडर के पास में ही आप एक छोटा सा बटन दे रखा होगा देखा होगा, ये बटन अधिक यूज होता है जैसे मान लो मैंने अपने कैमरे को अपने हिसाब से सेट कर रखा है कि मैं जैसे ही मैं हाफ फेस कर रहा हूँ मेरा कैमरा फोकस हो रहा है और मेरे को भी क्लियर दिख रहा है भाई व्यू फाइंडर के थ्रू, लेकिन किसी ने जैसे मान लो चश्मा लगा रखी है, अब वो मैंने मेरे हिसाब से सेट कर रखा है, जैसे ही वो देखेगा कैमरा फोकस करने के बावजूद भी उसको ब्लर दिखेगा कि यार फोकस नहीं हो रहा है, तो उसी चीज़ को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और ये वाला जो बटन है ये प्लेस खोलने के लिए होता है, ठीक है। ये बेसिक आज का वीडियो है और आगे मतलब मैं सेटिंग के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो। धन्यवाद।